शैतान सदा एक मुसलमान को दो बातों में से एक में उलझाना चाहता है। या तो वह दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए उससे अच्छे कर्म करवाता है जिसमें वह व्यक्ति अल्लाह ताला के लिए मुखलिस एवं निष्ठावान नहीं होता है, या फिर शैतान उसको सत्कर्म से पूर्णतः दूर कर देता है ताकि उसे उस सत्कर्म का पुण्य न मिले। शैतान कभी-कभी लोगों को रियाकारी का भय दिलाकर सार्वजनिक रूप से अच्छे कार्य करने जैसे दान इत्यादि से रोक देता है। यह शैतान के हथकंडों में से एक बड़ा हथकंडा है जिससे सावधान रहना प्रत्येक मुसलमान पर वाजिब है। वह मुसलमान जो अपनी नीयत में सच्चा हो उसे इन शैतानी हथकंडों को महत्व देकर और पाखंड में पड़ जाने के भय से सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा एवं आश्वस्त हृदय व्यक्ति का कोई कार्य गुप्त रूप से हो अथवा सार्वजनिक रूप से करना बराबर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रियाकारी अर्थात दिखावा करना शिर्क है और ऐसा करना जायज़ नहीं है, लेकिन किसी मोमिन पुरुष या मोमिन महिला के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह रियाकारी में पड़ने के डर से उस आज्ञाकारिता को छोड़ दे जिसका अल्लाह ने आदेश दिया है, जैसे पवित्र अल्लाह को पुकारना और नेकी का हुक्म देना तथा बुराई से रोकना। यह शैतान की एक चाल है जिसमें फंसकर लोग सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर दावत देने, सदाचारिता का आदेश देने एवं कदाचार से रोकने का कार्य करने से चूक जाते हैं। अतः मुसलमान को चाहिए कि शैतान की चालों और वसवसों में ना पड़े, बल्कि वह इन बातों पर बिल्कुल ध्यान न दे और यदि अपने किसी बंधु को वाजिब की अदायगी में कोताही करते हुए या कोई हराम कार्य करते हुए देखे तो उस पर वाजिब है कि वह अपने भाई को नसीहत करे तथा उसके लिए यह काफ़ी है कि अल्लाह ताला उसके दिल के इखलास, निष्ठा एवं अल्लाह के बंदों के प्रति उसके हितकारी होने को जानता है।